51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का किया आयोजन। 1 अप्रैल को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। डीडवाना अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन गायत्री शक्तिपीठ नागौर रोड डीडवाना में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें गायत्री परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन शहर की धरा पर होने जा रहा, जिसमें 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा दोजराज गणेश मंदिर से आरंभ होगी, जो अजमेरी गेट, भगत सिंह सकिल रॉयल मार्केट, अशोक स्तंभ, फव्वारा सकिल, बानगढ़ हॉस्पिटल चौराहा होते हुए गायत्री मंदिर जाकर संपन्न होगी। तत्पश्चात आगे के कार्यक्रमों का विधिपूर्वक शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कथा प्रवचन शाम 5 बजे आयोजित होगा। वहीं 2 अप्रैल को ध्यान योग आसन सुबह 6 बजे, देवाहान गायत्री महायज्ञ सुबह 9 बजे, कथा प्रवचन शाम 5 बजे आयोजित होगे। वहीं 3 अप्रैल को ध्यान योग आसन प्रातः 6 बजे, गायत्री महायज्ञ व संस्कार सुबह 9 बजे, गायत्री दीप महायज्ञ का आयोजन शाम 5 बजे होगा। अंतिम दिन 4 अप्रैल को सुबह प्रातः ध्यान योग आसन सुबह 6 बजे, गायत्री महायज्ञ 8 बजे, यज्ञ पूर्णाहुति एवं डोली विदाई का आयोजन दोपहर 12 बजे होगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगे। गायत्री शक्तिपीठ डीडवाना में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल है। इसकी तैयारी करीबन 1 महीने से चल रही है। डीडवाना के सभी वार्डों में जितने वार्ड है उन सभी में कलश हमने वितरित किए हैं, और बापूजी नर्सिंग कॉलेज की टीम और डीडवाना के जो कार्यकर्ता भाई और बहन हैं उन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। सभी वार्ड से हमने कलश वितरित किए। करीबन 3500 कलश यहाँ डीडवाना में वितरित हुए हैं, और डीडवाना के आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के 27 गांवों में हमने कलश वितरित किए हैं, और करीबन हमारा अनुमान है 3 से 5 हज़ार का जो कलश यात्रा का है वो 1 अप्रैल को होगी बड़ी संख्या में, और 2, 3 और 4 को यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित रहेगा। और आज हमने भूमि का पूजन किया, यज्ञशाला का जो निर्माण किया जाएगा उसकी भूमि का जो पूजन है वो आज हमने किया है। 3 तारीख को हमारा 3 से 5 बजे तक महिला सशक्ति का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आसपास की सभी डीडवाना शहर की गांव की हमारे कार्यकर्ता महिलाएं सब शामिल होंगी, क्योंकि जो आने वाला समय है वो नारी सदी है, और नारियों को जागृत करना, उनके भीतर समाहित जो प्रतिभा है उनको लोगों के बीच में लाना, क्योंकि एक नारी ही वो शक्ति है जो एक परिवार का निर्माण करती है, और जब परिवार का निर्माण होता है तो उससे एक समाज का निर्माण होता है, और समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए नारी को एक अच्छे परिवार की, समुचित परिवार की दूरी कहा जाता है। तो महिला सशक्ति का कार्यक्रम हमने 3 तारीख को 3 बजे से 5 बजे के बीच में रखा गया है। गायत्री परिवार का जो 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ हमने ये रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति का उत्थान करना, साथ ही व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण।